ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। 27 सितंबर सोमवार को सर्वदलीय विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर भारत बंद का आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कई श्रमिक संगठनों के समर्थन का असर कोयलांचल क्षेत्र में देखा गया। भुरकुंडा से गुड्डू पांडे ने जानकारी दी है कि भारत बंद के दौरान सुबह से ही मत्तमा चौक के आसपास से गाड़ी का परिचालन रोक दिया गया। पूरे 9 महीने से दिल्ली के अंदर में किसान जो आंदोलनरत हैं उनको लेकर आज पूरे देश में किसानों के समर्थन पर पूरा राष्ट्र आज विरोध दिवस भारत बंद किए हुए और उसी के आलोक में आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के साथी, मासस के साथी और तमाम कांग्रेस पार्टी जेएमएम तमाम लोग आज हम लोग पूरे सड़क पर हैं और पूरे एनएच हाईवे को हम लोग ने बंद कर रखा है और कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा है जो पूंजीवादी व्यवस्था है सड़क पर है, क्योंकि आज वो अपने घरों पर हैं डर से कि आज किसान और मजदूर एकताबद्ध होकर इस सड़क पर हैं। जिस देख रहे हैं वो लोग, उनका रिपोर्टिंग जा रहा है कि आज पूरा देश सड़क पर है और मोदी के खिलाफ में जो नारा लग रहे हैं, तो जो यूपी के चुनाव होने वाले हैं उस पर उनको बहुत सारा सब उनको खामियाजा भरना पड़ेगा। साथ ही साथ रामगढ़ जिले के अंदर में जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं